हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आए मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। नागपुर यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले यादव नगर स्वीपर कॉलोनी तथागत नगर में 24 जनवरी को दो गुटों में संघर्ष होकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला किए जाने की बात सामने आई है, जिसमें एक गुट गंभीर रूप से जख्मी होने की बात सामने आई है। जानकारी इस तरह है कि उत्तर नागपुर के यशोधरा पुलिस थाने अंतर्गत यादव नगर स्वीपर मोहल्ला तथागत नगर में 24 जनवरी को गुनाकारी में लिप्त अर्जुन पांडे और उनके साथियों द्वारा छोटू चव्हाण और उसके साथियों पर हमला बोल दिया। बताया जाता है कि मोहल्ले में अर्जुन पांडे और उसके साथियों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम देते हुए अचानक हमला किया है। अर्जुन पांडे साथियों और कुछ महिलाओं को लेकर छोटू चव्हाण के पास गए और विवाद कर छोटू चव्हाण और उसके साथियों की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर हथियारों से लैस होकर हमला किया, जिसमें छोटू चव्हाण और उसके साथियों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। किसी ने इस हमले की जानकारी करीब के ही पुलिस थाने में दी। यह मामला यशोधरा पुलिस थाने में गया, जहां मुकाय वारदात घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और जख्मियों को पुलिस ने उपचार हेतु शासकीय अस्पताल में भेजा गया। छोटू चव्हाण की करीबी और साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वही अर्जुन पांडे के साथियों भी घायल हुए हैं। लेकिन नागरिकों का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर चव्हाण गुट पर जबरन 307 दाखिल कर जेल भेजा गया, जिसमें चव्हाण गुट को इस मामले में जबरन पुलिस प्रशासन द्वारा फंसाए जाने की साजिश है, ऐसा आरोप यादव नगर की जनता ने भी किया। वहीं थाने के पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर भेदोड़कर ने बताया कि दोनों गुटों के लोग जख्मी हुए हैं और दोनों गुटों पर जानलेवा हमले अंतर्गत विविध धाराओं के तहत और आम एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। दोनों गुटों का एक दिन पहले विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते 24 जनवरी को इस घटना को अर्जुन पांडे और उसके साथियों ने अंजाम देने की बात कही जा रही है। दोनों गुटों पर कार्रवाई कर दोनों गुटों को जेल भेजा गया है। इस मामले की अधिक जांच पुलिस कर रही है। प्राथमिक अवस्था में फिलहाल यह कार्रवाई शुरू है, ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक भेदोड़कर द्वारा दी गई है। दिनांक 24/1/2024 रोजी दुपारी 4 वाजता दरमियान मध्ये यादव नगर येथील सुगर कॉलनी मध्ये दोन गटांमध्ये हाणामारी झालेली होती, त्यामध्ये काही लोक जखमी झालेले होते। घटनास्थळावर पोलीस पोहोचून जे काही जखमी होते त्यांना तत्काळ न्यू हॉस्पिटल येथे रवाना करण्यात आले आहे आणि दोन्ही पार्ट्यांवर एकमेकांविरुद्ध क्रॉस गुन्हे तिथे दाखल करण्यात आले होते। दोन्ही पोलीसच्या गुन्ह्यामध्ये 6-6 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहे। याच्यामध्ये दंगलीचे गुन्हे 307, दगड फेकून मारहाण केले ते 336 गुन्हे, असे विविध कलमांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असून दोन्ही याच्यापैकी अजून दोन आरोपी अटक होणे बाकी आहे। 6-6 आरोपी अटक झालेले आहे आणि सर्व आरोपी आता तपासून जेलपात झालेले आहे। बरोबर, याच्यातील जे आरोपी अटक करण्यात आलेले आहे, जवळपास सर्वच आरोपींवर जुना गुन्हेगारीपूर्व इतिहास आहे त्यांचा। याच्यातील गोलू चव्हाण जो आरोपी आहे त्याच्यावर जवळजवळ 20 पेक्षाही अधिक गुन्हे दाखल आहे आणि त्याच्यावर असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहे। तो तुप्पट नावाचा होता, शिवारे होता, त्यांच्यावर पण गुन्हे दाखल आहे। आणि दुसऱ्या पार्टीचे जे अर्जुन पांडे आणि त्याचा जिजा जो आहे कमल बिहा, त्यांच्यावर सुद्धा गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहे आणि दोन्ही पार्ट्यावर तात्काळ कार्यवाही करून दोन्ही पार्ट्यांना आपण अटक करण्यात आली आहे। यादव नगर स्वीपर कॉलोनी तथागत नगर झाल्याचा पट्टा या भागामध्ये 24 तारीख होती काका, 24 तारखेला इतकी वारदात मोठी झाली की बाया लोकांनी सगळं बघितलं। तिथे पांडे जे लोक परिवार आहे त्या लोकांनी गोलू भाऊ दादा आमचा माझा भाऊ आहे तो वस्तीच्या नात्याने सगळ्या नागरिकांचा पण आहे त्या दादाला विनाकारण मारझोड केलं आणि शिव्यागाडी केलं। त्यांचे जे मित्र होते ते आडवे झाले, भाऊ पण आडवा झाला, तर त्यांना ह्या लोकांनी खूप मारलं। कोणाच्या हाताला लागलं, कोणाच्या पायाला लागलं, कोणाच्या डोक्याला लागलं, बाया लोक पाहत होते तर बायांना शिव्यागाडी केला त्यांनी। तसं तरी जखमी हालत म्हणी दादाला उचलून सन्यानी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं पण पोलीस कारवाई काही केली नाही त्यांनी। मग जेव्हा आम्ही म्हटलं त्याच्यानंतर म्हणी भाऊवरच गुन्हा दाखल केला यांनी। त्यांची हे मागणी आहे की दादा आता सगळं काही सोडलं त्यांनी, आता काही गुन्हेगारीमध्ये आहे नाही तो,
तरी पण त्याला का असे लोक त्रास देऊन राहिले आहेत विनाकारण. कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट.